उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ता छात्र अश्वनी वेस्ट मटेरियल से ड्रोन बनाते हैं। अश्वनी इस तकनीक को साइंस से जुड़े छात्रों तक ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो हर रोज अपना काम खत्म कर संस्थान के परिसर में छात्रों को ड्रोन बनाना सिखाते हैं और बच्चे भी उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। पता चला तो आई फेल्ट लाइक इट्स समथिंग रियली स्पेशल एंड दिस कैन मेक इंडिया अ रियल सुपर पावर। एंड अश्विनी सर ने जिस तरह से इसे हम लोगों को उड़ाना सिखाया एंड इसके बारे में हम लोगों को बताया, इसने हम लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, इसकी फील्ड में जाने के लिए इंस्पायर किया है। ड्रोन आकाश में उड़ने वाला एक यंत्र है। जिसमें कोई पायलट नहीं होता। ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि वो आसमान में खुफिया एजेंसियों और सेनाओं की आंख है। ड्रोन का इस्तेमाल आपदाओं में लोगों की जान बचाने के लिए किया जाता है। इसी तकनीक को अश्विनी अब स्कूल लेवल तक लाना चाहते हैं और बच्चों को कबाड़ से ड्रोन बनाना सिखा रहे हैं। मेरा हमेशा से यूज था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी को और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को से बच्चों को हम फेस टू फेस करवाएं, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी महंगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे है कि वेस्ट मटेरियल और लोकल अवेलेबल चीज़ों से हम इसे बनाएं और बच्चों को सिखाएं। तो हमने वैसे ही इस काम को आगे बढ़ाया। हमने है कि थर्मोकोल्स जो पैकिंग के लिए यूज़ होता है उसको हम लोगों ने CNC से कट किया, फिर उसे हम लोगों ने बच्चों से कहा कि इसको डिज़ाइन करें और अपना इनोवेटिव डिज़ाइन सोचें। और ड्रोन की तेज़ रफ्तार से भारत अभी भी दुनिया से काफ़ी पीछे है। दूसरे देशों में ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध के लिए, आसमान से निगरानी के लिए, आपदाओं में बचाव के लिए किया जाता है। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अमेरिका में कुरियर सर्विस तक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। विकसित देशों में ड्रोन कारोबार करने का एक अहम जरिया बन चुका है। दुनिया में हर साल ड्रोन से करीब $4 अरब का कारोबार हो रहा है। वहीं भारत में ड्रोन से कारोबार करने पर अभी तक रोक है। दिल्ली से राजीव ढोंडियाल की रिपोर्ट, APNS न्यूज़।